चैनल टुडे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। नागरिकता संशोधन कानून CAA के नोटिफिकेशन का ऐलान होते ही देश की पुलिस अलर्ट हो गई। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स समेत पूरा स्टाफ सोमवार शाम को ही सड़क पर उतार दिया गया। शाहीनबाग और जामिया के इलाके में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। यूपी के 14 जिलों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई जिलों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अति संवेदनशील इलाका होने के कारण संभल में SP कुलदीप सिंह गुनावत के साथ ही भारी संख्या में पुलिस सड़कों पर नजर आई। देखिए, अभी त्योहार का टाइम है और इलेक्शन भी घोषित होने वाले हैं, उसके संबंध में एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है। लगातार हर क्षेत्र में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, तो पुलिस अलर्ट पे है। हर क्षेत्र में पुलिस राउंड लगा रही है, उसी के उद्देश्य से लगातार आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई है। तो यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियाँ भी आवंटित की गई है, जिसमें सभी चंदौसी और संभल और सभी तहसीलों में राउंड लिया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज फ्लैग मार्च किया गया। यूपी में पुलिस को रात के वक्त पेट्रोलिंग और पैदल गश्त बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। देश भर की कई सुरक्षा एजेंसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए हैं। CAA लागू होने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा ना फैलाए। संभल में मुजम्मिल दानिश के साथ दिल्ली से उबैद इकबाल की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।